हेलो एवरीवन, एप्पल टेक लिंक्स हियर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम बात करेंगे नथिंग ईयर वन। सो आज की वीडियो में हम नथिंग ईयर वन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम टॉकिंग पॉइंट ये हो गए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अनबॉक्सिंग होगी, ये अदर ईयरबड्स लाइक एयरपॉड प्रो और सैमसंग के जो गैलेक्सी बड्स प्रो या फिर गैलेक्सी बड्स बेसिक, उनसे क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या यूनिक है और क्या इसके स्पेशल फीचर है, वो सब हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जो सबसे अच्छा फीचर मेरे को फीचर कह सकते हैं या फिर सबसे अच्छी जो इसकी क्वालिटी है वो मेरे को ये लगी कि ये सुपर लाइट वेट है। सो ये अप्रोक्स 4.7 ग्राम इसका वेट है पर 4.7 ग्राम ईच। सो अप्रोक्स ये लेस देन 10 ग्राम का होगा। और ये आप यहाँ पे इसकी पैकेजिंग में देख सकते हैं, ये दिखने में ऐसा होगा या ये जैसे रिटेल पैकेजिंग है जो आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका केस दिया हुआ है, जो केस है जो वायरलेस है, मतलब आप इसको टाइप सी केबल से भी चार्ज कर सकते हैं प्लस वायरलेसली आप इसे किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं इसमें ये ट्रांसपेरेंट केस के साथ ट्रांसपेरेंट ईयरबड्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LED लाइट है जो उससे आपको पता चल जाएगा ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। सो यहाँ पे आप इसके मैग्नेट्स देख सकते हैं कि जो कि ट्रांसपेरेंट हैं। सो ये बीच में जैसे हाफ ट्रांसपेरेंट है एंड हाफ वाइट कलर का है जो ईयरबड है। इसमें ये क्यू टिप दी हुई है जो एडजस्टेबल है और आपको जिसमें इसमें ये रेड एंड वाइट कलर का कलर है। सो जब आप जैसे केस में रखते हैं तो आपको पता रहता है कौन से में रखना है प्लस कौन से ईयर में कौन सा यूज़ करना है। सो एक पे रेड कलर है, एक पे वाइट कलर है। यह आप इसका केस देख सकते हैं प्लस इसमें ये USB-C केबल दी हुई, USB-C to A, सम मैनुअल, ये मैनुअल में सम जैसे कंट्रोल के बारे में कुछ डिटेल दी हुई है। डबल टैप, आप डबल टैप से आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। अगर आपको ANC मोड ऑन करना है तो लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन है वो अभी रिलीजिंग स्टेज पे है, बट फिलहाल के लिए जैसे ये दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, iOS और Android। सो इसमें से आप जैसे बेसिक कंट्रोल प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट एंड ऑल कर सकते हैं। स्वाइप अप से वॉल्यूम अप एंड स्वाइप डाउन से वॉल्यूम डाउन, ये इसकी एप्लीकेशन है जो अभी मतलब जैसे अभी स्टार्ट ही हुई है कुछ ही टाइम है, अभी इसके डेवलपमेंट चल रहा है, बट बाकी आप ये iOS और Android दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप इसमें से कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, लाइक कुछ अदर मोड्स हो गया, ANC ऑफ ऑन करना है या फिर ऐसा कुछ आप इसमें से कर सकते हैं। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अवेलेबल है और ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करने पे प्लस विद केस ये अप टू 34 आवर्स की बैटरी प्रोवाइड करवाता है। विदाउट केस ये आपको अप्रोक्स 5 आवर की बैटरी प्रोवाइड करवाता है। ये IPX4 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, सो आप इन्हें जिम में यूज़ कर सकते हैं। सो अपन बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। इसकी जो US की प्राइसिंग है वो है $99। इसकी जो यूरोप की प्राइसिंग है लाइक इन यूरो इट्स अबाउट 99 यूरो एंड इन UK की प्राइस है 99 pound। सो व्हेन वी कन्वर्ट दिस प्राइस टू इंडियन रुपीस दैट इज़ अबाउट लाइक 99 USD इज़ अबाउट 7,352 इन टूडेज प्राइस, टूडेज कन्वर्जन रेट। सो इन यूरो इट वुड बी लाइक 8,737 और समथिंग, और इन 99 pound इट वुड बी अराउंड 10,260। तो जब अपन देखते हैं जैसे अदर एयरपॉड प्रो है या फिर iPhones है जो लाइक US की प्राइस, UK की प्राइस एंड इन यूरोप, जब अपन उनकी प्राइस कंपैरिजन करते हैं टू इंडिया, दैट इज़ लाइक UK एंड यूरो की प्राइस के बीच में इंडिया की प्राइस होती है अप्रोक्सीमेंटली। लाइक US की प्राइस सपोज करो $100 है तो UK की प्राइस होगी अराउंड $140, यूरो में होगी अराउंड 138 और समथिंग, और इंडिया की प्राइस होगी लाइक 135, समटाइम 139, 138, इनके अराउंड में ही चलती है। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड मैनी ऑफ द अदर वेबसाइट इसकी प्राइस होनी चाहिए थी अराउंड 10,000 इन इंडिया, बट इसकी लॉन्चिंग प्राइस इंडिया में है 6,599। सो एक बहुत अच्छी डील दिख रही है
क्योंकि इसकी प्राइस यूएसडी से यूएसए की जो प्राइस है उससे भी काफ़ी कम है। प्लस ये थोड़ा लेट लॉन्च हो रहा है इंडिया में, आई गेस 17 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग डेट है फ्लिपकार्ट पे 12 PM, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं 5999 में, अभी ऑफर प्राइस ये चल रही है। मैंने इसके काफ़ी जैसे नेट पे रिव्यू देखे, इनको यूज़ करके देखा है। काफ़ी लोगों ने यूज़ करके देखा है, जैसे मैंने इसके काफ़ी सारी वीडियोस देखी या फिर उन पे रिव्यू देखे, एक्सपर्ट के रिव्यूज़ देखे, उन पे पता चल रहा है जिसके ये दिखने में बहुत अच्छा है। इसके जो साउंड क्वालिटी है वो लाइक नॉट एवरेज नहीं कह सकते, बिट अबाउ एवरेज, बट ये बहुत अच्छी भी नहीं है लाइक एयरपॉड प्रो, बट इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी। द फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है बट अच्छे फीचर्स है। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट ही हुई है, ये इम्प्रूव हो जाएगी। सो नाउ इट्स अप टू यू वेदर टू बाय और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आई एम गोइंग टू बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑन। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।